हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के हम इम्पोर्टेंट 60 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आने वाले एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और पहले पूछे भी गए हैं। ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, और इनको पढ़ने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, बने रहे मेरे साथ, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है दोस्तों, ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये बहुत ही आसान है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? तो गन्ना है एक एंजियोस्पर्म है, और कौन से कुल से है ये? ग्रेमिनेसी कुल से। कौन सा कुल है दोस्तों? ग्रेमिनेसी कुल। बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसको कहा जाता है अमाजू। बहुत ही अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे ऊँचा पठार कौन सा है? तो बहुत ही आसान है, ये बार बार आता है, ये तिब्बत का पठार है जो सबसे ऊँचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 7, सेन वॉन्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो ये दोस्तों पुस्तक लिखी थी सेन वॉर्न ने, पुस्तक का नाम है सेन वॉन्स सेंचुरी माई टॉप 100 क्रिकेटर्स, और ये पुस्तक है दोस्तों सेन वॉर्न की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिकेटर हैं इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है। प्रश्न नंबर 8, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो कृषि जनगणना की बात की गई है, तो वो हुई थी 1971 से 70 में, मतलब 1970 से 1971 में जो ये सत्र है, यहाँ का जो सेशन है, इस वित्तीय वर्ष में कृषि जनगणना हुई थी भारत की सबसे पहली। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? शब्द है दस्यु, और ये शब्द प्रयुक्त है अनार्यों के लिए दोस्तों, अनार्यों के लिए प्रयुक्त है दस्यु शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई 1979 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वो कार्य होगा दोस्तों शून्य। शून्य क्यों? क्योंकि वो सूटकेस केवल पकड़े हुए है, वो कहीं उसको लेके नहीं जा रहा। अगर लेके जाता है, अपना विस्थापन दिखाता है, तो वो कार्य माना जाएगा, लेकिन वो पकड़े हुए बस, तो इसलिए ये शून्य कार्य माना गया है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे, तो वह इसकी सूचना किसे देता है? तो वो इसकी सूचना प्रधानमंत्री को देता है। राष्ट्रपति जी किसको सूचना देते हैं? प्रधानमंत्री को देते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? ये भी साइंस से रिलेटेड है, ये दोस्तों दुगुना होता है। दोबारा देखें, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? वो दुगुना होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गोपत ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ये मिलता हमें अथर्ववेद में, गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1947 में, और किसके लिए? मानकीकरण के लिए। नेक्स्ट है, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? यह दोस्तों इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, एक कोशिकीय जीव का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों वो वैज्ञानिक थे ल्यूवेन होक, जिन्होंने एक कोशिकीय जीव का सबसे पहले अध्ययन किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो भूमि के लिए जो प्रयोग होता है भुगतान, उसको बोला जाता है आर्थिक लगान। ओके दोस्तों, और इस पे लगान फिल्म भी आपने देखी होगी जो भूमि से रिलेटेड है वो भी। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? किसके राज दरबार में? इल्तुतमिश के राज दरबार में, और किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? वो इतिहासकार थे मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज, अच्छे से याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
ये है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इससे पहला जो क्वेश्चन था वो उसमें सन पूछा गया था कि उसकी स्थापना कब हुई, वो हुई थी 1947 में। जी हाँ, मानकीकरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, जो हमने पहले अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, तो उसे बोला जाता है गुद्देदार पुष्पासन। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, वो थे गुलजारीलाल नंदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली, तो दक्षिण भारत की बात की गई है। जो पहली फैक्ट्री खोली थी वो मुसलीपट्टनम में 1611 में खोली थी दोस्तों, 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली थी। नेक्स्ट है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, जो नील विद्रोह का जमकर समर्थन कर रहे थे ये, तो वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। आंसर है हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, युद्ध स्थल की बात की गई है, वो है दोस्तों सियाचिन क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है, जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं उनका निर्माण किस हलचल से हुआ है, वो है अल्पाइन हलचल के दौरान, अल्पाइन हलचल। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, देखो यहाँ हमें एक नॉलेज और मिली कि टीपू सुल्तान उस युद्ध में मारा गया है, और कौन सा युद्ध है, आंगल मैसूर युद्ध। तो पूछा गया है कि गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो वो थे दोस्तों लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा, तो मोटे अनाजों पर उसका जो प्रभाव है बहुत ही कम रहा। प्रश्न नंबर 29, आज की इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो बने रहें और स्किप मत करना वीडियो को। और क्वेश्चन नंबर 29 है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी, वो थी मदुरई। जो पांड्य शासक थे उनकी जो राजधानी थी वो मदुरई थी। 30 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, वो है माजुली नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ हम दोबारा फिर एक से काउंट करते हैं और ये 30 और 30 60 हो जाएंगे हमारे, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है, बहुत ही आसान है, वो स्थितिज ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है। जैसे धनुष की जो डोर है उसको ताना जाता है, उसको खींचा जाता है, तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, और गुब्बारे को फुलाया जाता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो किनका निधन हुआ था दोस्तों, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी का निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया। नेक्स्ट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात है 1:4। क्वेश्चन नंबर 4, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया, वो भाषा थी दोस्तों उनकी प्राकृत या अर्धमागधी भाषा, प्राकृत भाषा हम कह सकते हैं मतावलंबियों ने। क्वेश्चन नंबर 5, नागालैंड दिवस कब मनाया गया, वो 1 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, वो है रॉकी पर्वत, जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, अच्छे से याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, सेन जाऊ द्वितीय या सेन जाऊ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है, वो है दोस्तों चीन के। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की, वो की दोस्तों ज्योतिबा फूले ने। देखो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फूले ने, और कब की, 1884 ईस्वी में, ओके दोस्तों। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रश्न नंबर 11, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है पुष्प। ये क्यों होता है, क्योंकि पुष्प के कारण ही पौधे में परागण की प्रक्रिया चलती है,
और जो परागण प्रक्रिया होती है वो पौधे में एक जनन चक्र की प्रक्रिया बनाती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहते हैं, लिखित में होता है तो उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है, तो उनको बोला जाता है अतरांकित प्रश्न, अतरांकित प्रश्न। नेक्स्ट, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो वो होता है माइक्रोफोन या माइक, जिसके द्वारा मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो क्या है, जो ध्वनि ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है माइक्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की, तो वो की दोस्तों दुर्लभक ने। नेक्स्ट, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है, कहाँ कहाँ एशिया माइनर और दक्षिण रूस में जो स्थित है अंतर्देशीय सागर, उसका नाम है काला सागर। नेक्स्ट पर चलते हैं, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है, तो वह है दोस्तों मैक्यावेली, जो आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते हैं मैक्यावेली। नेक्स्ट, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है, वो बंदरगाह है दाहेज, जो रसायनों की मांग की आपूर्ति को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था, वो थे मिहिर भोज, प्रतिहार वंश के ये सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक माने जाते हैं मिहिर भोज जी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 18 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। नेक्स्ट, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी जो गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए जो एलपीजी गैस होती है ये गंधहीन होती है, मतलब इसमें कोई गंध नहीं होती, तो इसकी रिसाव का पता लगाने के लिए इसके अंदर एक पदार्थ या तत्व मिला जाता है जो इसको गंधयुक्त बना देता है, जिसे जो इसके रिसाव है उसका पता चल जाए, तो उस पदार्थ को बोला जाता है इथाइलमर कैप्टन, इथाइलमर कैप्टन को एलपीजी में मिलाया जाता है जिससे ये गंधयुक्त हो जाती है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी, तो वो अनुच्छेद है 79, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि संविधान से संबंधित हर एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अनुच्छेद है 79 में, जिसमें संघ के लिए संसद उल्लेख है। नेक्स्ट, दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है, तो यह बेल की, बेल एक फल का नाम है, तो उसकी जो विकसित प्रजाति है उसको बोला जाता है दारोगा जी। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया अशोक ने। प्रश्न नंबर 25, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 19 जुलाई को। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बैरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आ चुका है बहुत बार, तो बैरिंग जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य है, ये अमेरिका एवं रूस के मध्य है दोस्तों। नेक्स्ट, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे, तो डोनाल्ड ब्रैडमैन थे क्रिकेट से, क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी माने जाते थे। नेक्स्ट, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह दोस्तों तीसरा स्थान है टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का स्थान। नेक्स्ट, महावारी स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था, महावारी ये गलत लिखा हुआ है, ये महावीर स्वामी ने, यहाँ आएगा दोस्तों महावीर स्वामी ने प्रथम जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, और इसके साथ ही हम 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।